नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सरकारी स्कूलों में पहली बार 40,000 से ज्यादा प्रधान शिक्षक होंगे नियुक्त। राजगीर और बोधगया तक गंगाजल पहुंचाने के काम अब जल्द होगा पूरा। उपचुनाव में कोई भी पार्टी नहीं निकाल सकेगी जुलूस। मुंगेर में पटना की तर्ज पर बनेगा सीवरेज नेटवर्क। वायरल बुखार के संक्रमण से मिली राहत। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। नवरात्र के पहले दिन दुर्गा मंदिरों में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र आज सुबह ही कलश की स्थापना के साथ शुरू हो गया। आज पहले दिन माता के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा आराधना हुई, तो वहीं सुबह से ही तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी भीड़ भी देखने को मिली। इस दौरान बिहार के सभी जिलों में प्रशासन को पहले ही निर्देश दे दिया गया था, इसलिए मंदिरों में भीड़ को नियंत्रण करने के लिए कमेटी के द्वारा व्यवस्था देखने को मिली। बताते चले कि कलश की स्थापना के साथ ही दुर्गा पूजा की रौनक छा गई है। मंदिर के साथ साथ घरों में भी कई लोगों ने कलश स्थापित किया। शुभ मुहूर्त सुबह के समय का था, इसलिए सुबह सुबह से ही मंगलमय भक्ति गीतों के बीच नवरात्रि पूजा का श्री गणेश किया गया। राजगीर और बोधगया तक गंगाजल पहुंचाने का काम अब जल्द होगा पूरा। बिहार के राजगीर, गया, बोधगया व नवादा में जल्द ही गंगा का पवित्र जल पहुंचेगा, साथ ही शुद्ध पेयजल भी लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना को जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर बीते दिन सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को स्पॉट पर जाकर एक एक चीज का आकलन करने का निर्देश दिया। प्रगति रिपोर्ट के मुताबिक जून 2022 से जलापूर्ति का काम भी शुरू हो जाएगा। यह काम दो चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में राजगीर, गया और बोधगया और दूसरे चरण में नवादा शहर के लिए इस जलापूर्ति योजना पर काम किया जा रहा है। इसके तहत हथीदह, मोतनाजे, तेतर, अबगिल्ला तक अब तक कुल 150 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन में से लगभग 118 किलोमीटर तक पाइप बिछाई जा चुकी है। सरकारी स्कूलों में पहली बार 40,000 से ज्यादा प्रधान शिक्षक होंगे नियुक्त। सूबे के राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों के पहली बार प्रधान शिक्षकों के पद को बनाया गया है। इसके तहत 40,518 प्रधान शिक्षक के पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गई है। इस बाबत बीते दिन ही शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से औपचारिक सहमति के बाद एक औपचारिक अधिसूचना जारी किया है, जिसके तहत अब इन प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बताते चले कि ये सभी पद डायरेक्ट शिक्षा विभाग के अधीन होंगे। इन पर पंचायतों या फिर नगरीय निकाय का कोई नियंत्रण नहीं होगा। आपको बताते चले कि अब तक इन प्राथमिक विद्यालयों में जो सीनियर शिक्षक होते थे वही प्रधानाध्यापक भी होते थे, लेकिन अब इन स्कूलों में अलग से प्रधानाध्यापक पद के लिए नियुक्ति होगी। सिमुलतला विद्यालय में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख बढ़ी। सिमुलतला आवासीय विद्यालय में छठी कक्षा के सत्र 2022-23 में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब आवेदन 17 अक्टूबर तक किया जा सकेगा। यह फैसला पर्व त्योहार को देखते हुए किया गया है। इससे पहले 6 अक्टूबर तक ही नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते थे। इसके लिए विस्तृत जानकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर बताई गई है। इस वेबसाइट के जरिए ही ऑनलाइन आवेदन भी होगा। बताते चले कि इसके लिए 5वीं क्लास में पढ़ रहे छात्र छात्राएं ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की फीस 200 रुपए है। यहां आपको ये भी बता दें कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए पीटी और मेंस परीक्षा होती है, जिसके रिजल्ट के आधार पर ही एडमिशन दिया जाता है। पीटी की परीक्षा नवंबर महीने में हो सकती है। वायरल बुखार के संक्रमण से मिली राहत। बिहार के पटना में वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या में गिरावट आ रही है, जो कि राहत की बात है। पीएमसीएच प्रशासन के मुताबिक बीते 15 दिनों से वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या में गिरावट दर्ज किया गया है, जबकि पिछले महीने जब वायरल पीक पर था उस समय कुल 140 मरीज भर्ती होते थे। इसकी तुलना में अब 50% की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में शहर के पीएमसीएच में 2 बच्चे भर्ती हुए हैं, जबकि पटना एम्स व IGIMS में निमोनिया पीड़ित एक भी बच्चा भर्ती नहीं हुआ है। हालांकि पटना में डेंगू, चिकनगुनिया और JE के कई नए केस मिल रहे हैं, इसलिए लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत बताई गई है। यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार ने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात। देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी को टॉप करने वाले बिहार के लाल शुभम कुमार को बीते दिन बिहार विधान परिषद के सभागार में सम्मानित किया गया। इस दौरान सभापति अवधेश नारायण सिंह और मुख्यमंत्री के सलाहकार भी मौजूद थे। वहीं सम्मान कार्यक्रम के दौरान कई विधायक और छात्र छात्राएं भी मौजूद थे, जिन्हें शुभम ने सफलता के कई मंत्र बताए और अपने संघर्ष के दिनों की बातें बताई। इस सम्मान कार्यक्रम के बाद एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में मुख्यमंत्री ने भी शुभम कुमार से मुलाकात की, साथ ही उनकी इस सफलता पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। आपको बताते चले कि कटिहार के शुभम कुमार के रूप में 20 सालों के बाद बिहार को यूपीएससी टॉपर मिला है।
उपचुनाव में कोई भी पार्टी नहीं निकाल सकेगी जुलूस। बिहार विधानसभा की दो खाली सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने सभी प्रकार के जुलूस निकाले जाने पर रोक लगा दी है। इसके तहत अब कोई भी उम्मीदवार नामांकन, चुनाव प्रचार या फिर मतगणना के बाद कोई जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। ऐसा करने वाले पर उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस बात की जानकारी बीते दिन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी दल के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद कही। साथ ही सभी राजनीतिक दलों को चुनाव एजेंट व मतगणना एजेंट की ससमय तैनाती करने को कहा गया है, नहीं तो चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बिहार में मात्र 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज की हुई पुष्टि। बिहार में गिने चुने कोरोना के मामले पाए जा रहे हैं और कोरोना के कुल एक्टिव केस भी 30 से नीचे चले गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान 1,30,046 सैंपलों की जांच की गई, जिसके आधार पर बिहार में 2 नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। इसके तहत पटना और नालंदा जिले से एक एक मरीज की पहचान हुई है। इस दौरान 2 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 28 हो गई है, तो वही रिकवरी दर अब 98.66% हो गया है। बीपीएससी को कृषि विभाग में शीघ्र नियुक्ति करने के मिले आदेश। वरना हाईकोर्ट ने बीते दिन बिहार कृषि सेवा में डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत अन्य पदों पर बहाली के मामले में सुनवाई की, जिसके बाद बीपीएससी को निर्देश दिया गया कि वह जल्द इन पदों पर चयन प्रक्रिया को पूरा करे। आपको बताते चले कि 235 पदों पर बहाली के लिए बीपीएससी ने इसका विज्ञापन निकाला था। याचिकाकर्ताओं ने बिहार एग्रीकल्चरल सर्विस कैटेगरी 1 के रूल्स कैडर अपॉइंटमेंट प्रमोशन रूल्स 2014 को चुनौती दी थी। इसके तहत संविदा को वेटेज नहीं देने का प्रावधान है। इन याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति संविदा पर जिला स्तर पर डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पदों पर की गई थी। मामले में 27 मार्च 2018 को कोर्ट ने रिजल्ट के अंतिम प्रकाशन पर रोक लगा दिया था, जिसके बाद 2 साल से यह नियुक्ति पेंडिंग पड़ी है। आज से पटना में शुरू हो गई पुलिस गश्ती। नवरात्रि शुरू होने के साथ ही बिहार के सभी जिलों में पुलिस प्रशासन ऑन ड्यूटी अलर्ट मोड पर आ गई है। खास करके राजधानी पटना में पुलिस की गश्ती आज सुबह से ही देखने को मिली। पटना पुलिस ने पूजा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरे से शहर भर में नजर को रख रही है। सभी थानेदारों को 24 घंटे अलर्ट रहने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ पुलिस ने यह भी कहा कि अगर किसी की बाइक बगैर लाइसेंस अगर पकड़ी गई तो उसे वेरिफिकेशन के लिए जब्त कर लिया जाएगा और पर्व के बाद ही गाड़ी छूटेगी। साथ ही बता दें कि 100 बाइक सवार जवानों को भी पर्व के दौरान तैनात किया गया है, जो कि 10-10 की संख्या में गश्ती करके असामाजिक तत्वों पर नजर रखते रहेंगे। मुंगेर में पटना की तर्ज पर बनेगा सीवरेज नेटवर्क। अब बिहार के मुंगेर जिले में भी राजधानी पटना और अन्य बड़े शहरों की तरह सीवरेज नेटवर्क बनेगा। इस नेटवर्क के जरिए सीवरेज के पानी को रीयूज किया जाएगा। बता दें कि पूरे शहर में 167.23 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क बनेगा, जिसका निर्माण नमामि गंगा परियोजना के तहत बुडको के द्वारा कराया जाएगा। इसका सर्वे EMS इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के द्वारा किया जाएगा। बताते चले कि 3 दिन पहले ही सर्वे का काम शुरू करने संबंधित करार पर हस्ताक्षर हुआ। इस अवसर पर बुडको MD रमन कुमार, नमामि गंगे के मुख्य अभियंता कंपनी के प्रतिनिधि समेत कई अभियंता व अधिकारी मौजूद रहे। नेटवर्क बनाने के बाद ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले पानी को शहर में चलने वाले फव्वारे और निर्माण कार्यों में आदि में उपयोग किया जा सकेगा। बिहार में हर नदी पर बनेगा पीपा पुल। बिहार में हर नदी पर पीपा पुल बनाने की तैयारी हो रही है। बिहार सरकार इन दिनों बिहार में जल परिवहन के विकास पर काफी ध्यान दे रही है, जिसके तहत ही अब सरकार नदियों को हाईटेक बनाने के लिए हर नदी पर एक पीपा पुल का निर्माण करेगी। इसको लेकर बिहार सरकार ने खाका भी तैयार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में जल परिवहन के विकास के संबंध में कार्य होना शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में बिहार के छपरा में गंगा के उत्तरी तट पर जहाज के लिए राज्य का पहला बंदरगाह का निर्माण किया जाएगा, जो कि अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। बिहार सरकार की योजना के मुताबिक 2023 तक बिहार में 25 बंदरगाह निर्माण करने की योजना है, जिसके लिए 128 जहाज भी खरीदे जाने हैं। प्लूरल्स पार्टी और चिराग की लोजपा ने घोषित किए अपने उम्मीदवार। बिहार विधानसभा की 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान के उपचुनाव के लिए चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इसके तहत उन्होंने जमुई के चंदन सिंह को तारापुर सीट के लिए उतारा है, तो वहीं दरभंगा जिला इकाई की पार्टी सचिव अंजू देवी को कुशेश्वर स्थान सीट से लोजपा का उम्मीदवार बनाया गया है।
साथ ही आपको बता दें कि ब्लूरर्स पार्टी ने भी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने बीते दिन अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर किया। इसके तहत ब्लूरर्स पार्टी ने तारापुर विधानसभा सीट से वशिष्ठ नारायण को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड है और राजनीति में सक्रिय है। तो वहीं दूसरी तरफ कुशेश्वर स्थान सीट से सियाराम राम पार्टी के उम्मीदवार होंगे। सियाराम राम लोक कलाकार हैं, लोकगीत में उन्होंने अपनी पहचान बना रखी है। राष्ट्रपति के बिहार आगमन और समारोह संचालन के लिए बनी कमेटी बिहार विधानसभा शताब्दी वर्ष के 100 वर्ष पूरा होने के अवसर पर शताब्दी वर्ष समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए जोर शोर से बिहार में तैयारियां चल रही हैं। खास करके राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए सभी जरूरी चीजों का ख्याल रखा जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के स्तर से हो रही है। इस समारोह के सफल संचालन के लिए बीते दिन स्पीकर विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया गया। इस कमेटी के संयोजक महेश्वर हजारी गए, जबकि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, पद निर्माण मंत्री नितिन नवीन, कला संस्कृति व युवा मंत्री आलोक रंजन, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, कांग्रेस विधानमंडल दल के सदस्य अजीत शर्मा, माले विधायक दल के नेता महबूब आलम आदि को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। धोनी अपना अंतिम आईपीएल मैच खेलना चाहते हैं इस खास जगह पर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद महेंद्र सिंह धोनी को फैंस मैदान पर सिर्फ आईपीएल के दौरान ही देख पाते हैं, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि धोनी का यह आखिरी आईपीएल सीजन है। इसके बाद धोनी क्रिकेट खेलते नजर नहीं आएंगे। हालांकि धोनी ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वह शायद अगले साल भी आईपीएल में खेलेंगे। धोनी चाहते हैं कि चेन्नई के मैदान पर ही वो अपने करियर का समापन करें। मंगलवार को इंडिया सीमेंट्स के 75वें वर्ष पर समारोह के दौरान प्रशंसकों से वर्चुअल बातचीत करते हुए धोनी ने इस बात का खुलासा किया। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आईपीएल में आपकी सबसे पसंदीदा टीम कौन सी है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।